आइए सर। पिछले हफ्ते नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर का जी। मेरा कोई नॉमिनेशन भी नहीं था वैसे। अच्छा, पर मेरे को अगर मिल जाता ना वो खुशी ना होती जो आज यहाँ आके हो रही है। अरे हाँ, हम लोग बड़ी देर से चाह रहे थे कि कुछ डिफरेंट किया जाए पाजी। एक ऐसे शख्स को बुलाया जिन्होंने यूथ को पागल किया हुआ है, और ये चेतन भगत आज आपके सामने, और आप देख सकते हैं कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे आपके लिए आए हैं। मेरी भी बचपन से तमन्ना थी कपिल से मिलूं। कौन है ये आदमी? बचपन से तो नहीं, चलो, पर मेरा बचपन अभी खत्म का हुआ है। चेतन, आपने पहले IIT से इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया, उसके बाद आप राइटर बने। तो लिखना तो स्कूल से ही आ गया होगा, तो फिर अगर राइटर ही बनना था तो MBA और ये इंजीनियरिंग करने का क्या मकसद था? कि दुनिया को आप बताना चाहते थे कि मैंने राइटर बनने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है? मिडिल क्लास के बच्चों को क्लास 10th में क्या बोला जाता है? अगर कोई बोले राइटर बनना है, इंजीनियर बनना है, किस बात पे थप्पड़ पड़ेगा? तो फिर थप्पड़ खा लिया हमने, फिर हम इंजीनियर बन गए, फिर हम MBA बन गए, फिर जब सब कुछ कर लिया फिर लगा यार अब ट्राई करते हैं। तो थोड़ी हम देर से कई कर लिया, देर से खिलती है, मैं थोड़ी देर से खिल गया, पर खिल तो गया। अभी तक तो आलिया भट्ट की कमी महसूस नहीं ना हुई आपको? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं हुई। और आपके लेकिन आप दिखने में जैसे भी लगे हैं चेतन, अंदर से व्हाट द मीन? नहीं मैं बताता हूँ आपको, जितने में जैसे भी हो आप, जब किसी को कहते हैं ना, जो आदमी को डिस्क्राइब करना था, उसकी नेचर बड़ी अच्छी है। लेकिन चेतन साहब, आप में कुछ भी हो, आलिया भट्ट की कमी आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंडिया में ऐसी पब्लिक काफी है, इसलिए पिक्चर में मैं नहीं एक्टिंग करता, आलिया भट्ट को रखता। पर ऐसे दुख नहीं लगता? नहीं, जैसे... नहीं, देखो जो भी कहो, चेतन भगत अपनी जगह है, पर आलिया भट्ट लट्ठा बोला जाता है। आलिया भट्ट लट्ठा, आप भी बुरे नहीं हो वैसे। नहीं नहीं, ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप क्या कह रहे थे? बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। पता क्यों लगता है? किस क्या किस चीज? आपने 2 States देखी होगी जी, कितनों ने देखी है? सबने देखी। कितने किसिंग सीन थे उसमें, है ना? लिखे किसने थे और किस किस को करने को मिला? ये इंसाफ है। कम से कम राइटर को 2-3 तो करके दिखाने चाहिए कि भाई ऐसे करना। 2 States में जैसे हमने देखा कि काफी जो हीरो हीरोइन है मस्ती करते हैं, एक दूसरे के हॉस्टल में भी चले जाते हैं, वो आपकी लाइफ के ऊपर बनी है। अब ये जो फिल्म में मसाला देखने को हमें मिला, ये जो किसिंग विसिंग की जितनी बातें हुई, तो ये फिल्म में मसाला डालने की किया गया या फिर रियल लाइफ में मसाला और ज्यादा था वहां पे कम दिखाया गया? अब क्या कहें? नहीं, मैं किसिंग वाला आता तो मैं चेतन को इमेजिन ही नहीं कर सकता। मुझे लगता है 16 सोमवार के व्रत रख के अभी भी खत्म करके आए। थोड़ा धार्मिक फेस है, क्यूट है। मैं आपको कपिल अलग से बताऊंगा, मैं आज आपको बता नहीं सकता जी क्या वो जो हॉस्टल में हुआ था उसमें मसाला ज्यादा था या कम था, क्योंकि ए वेरी रेयर ओकेजन है कि मेरी मदर भी यहाँ पे है और 2 States वाले इन लॉज भी यहाँ पे है, रियल वाले। ओह अच्छा। सो एक बार चेतन जी की पूरी फैमिली के लिए जोरदार ताली। इनकी वाइफ यहाँ पे है, इनके बच्चे यहाँ पे हैं, इनकी मम्मी यहाँ पे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन ले सकता हूँ सर आपके इन लॉज से? आप मतलब इन लॉज आपको लगता है मेरे से पूछ के काम करते हैं? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छा किसी का बच्चा आती है, उन्हें वो तमिल है। अरे सेम हियर, इवन आई डोंट नो इंग्लिश। देखिए, जब किसी का बच्चा जो है कुछ बन जाता है तो माँ बाप को बड़ा फख्र होता है, और अगर किसी का दामाद कुछ बन जाए वो तो चीज ही अलग है। तो सर, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? वेरी प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज अचीव्ड। सो सेड, वी विश हिम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर आल्सो। ये एक्चुअली तमिल ब्राह्मण है, ओके, व्हिच इज वेरी वेरी प्योर रेस। मैंने पूरी रिसर्च किया, मैंने किताब लिखी है। 3% ऑफ इंडिया तमिल है, उसमें से 3% तमिल ब्राह्मण होता है, कितना रेयर है। और इनकी बेटी ले आई घर पे एक पंजाबी, आपकी तरह जी, आप वैसे ही प्रेजेंटेबल थोड़े कम होते हैं, ठीक है। उधर ये मेरी मम्मी भी बैठी है जी। इन्होंने कहा यार तुम पंजाबी नहीं पिटा सकता था सी। अच्छा। मैं कहा मम्मी इतनी मुश्किल से तो लड़की पटती है, कोई ऐसी चॉइस थोड़ी ना होती है, आज ये वाली पिटा लेते। मम्मी को क्या पता, इनके पास तो पापा है, इनको क्या। अनुषा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिसिस चेतन भगत, ऐसा चेतन में आपने उस समय क्या देखा, आज भी वैसे तो जो आपको मतलब इतना ज्यादा प्यार हो गया इनसे,
हम मिले थे आई एम अहमदाबाद में और मैं बहुत ही दुखी थी बिकॉज पढ़ाई बहुत ही मुश्किल थी और एक ये मिल गया जो नॉन स्टॉप मुझे हंसाता रहता था। कपिल आप आए अहमदाबाद चले गए होते ना पिक्चर आप पे बन। तो ये आपको हंसाते रहते थे मतलब पढ़ाई में ध्यान इनका शुरू से नहीं था। नहीं मुझे बाद में ही पता चला कि इनकी बड़ी स्ट्रेटजी लगाई थी इन्होंने। अच्छा पर हाँ कैसी, कैसी, मुझे पटाने की बस ऐसे ऐसे लगो कि बड़े कैजुअल वे में हम बातें कर रहे हैं बस चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं पर बड़ी स्ट्रेटजी लगी थी इनकी। वाह 5 रुपए की चाय पिला के इधर लाखों की संपत्ति हड़प ली आपने। चलिए चेतन की जितनी लिखी हुई किताबें उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी है जैसे काई पोचे है, टू स्टेट्स है, अभी हाल ही में उन्होंने किक का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। तो चेतन जब आपको पता है कि इन पे फिल्में ही बननी है किताबों पे तो सीधी फिल्म क्यों नहीं लिखते, उसमें क्यों पड़े रहते हैं आप? एक्चुअली बुक जो है वो किताब फिल्म से कहीं ज्यादा उसमें कंटेंट रहता है, 4 गुना उसका एक स्क्रिप्ट से साइज रहता है। मैंने अब स्क्रिप्ट भी लिखा है जी और किताब में मैं एक मैसेज डाल सकता हूँ, जैसे अब हाफ गर्लफ्रेंड मेरी किताब है तो उसमें एक मैसेज है कि वो लड़का इंग्लिश नहीं अच्छी बोलता, लड़की उसे जज करती है, ये वो, तो वो शायद फिल्म में आए ना आए। ओके तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज भी अगर जुड़ जाए और किताब भी लोग इंजॉय करें और मैं चाहता हूँ लोग किताबें पढ़ें, मतलब स्लम्स में भी बच्चा इंग्लिश की किताब पढ़े। बुक्स एक अकेली चीज़ है जिससे आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, बाकी और किसी चीज़ से नहीं, बाकी सब चीज़ें आपको परोसी जाती है। जब आप बुक पढ़ते हो, आप अक्षर पढ़ते हो, आप इमेजिन करते हो। तो प्लीज़ इंडिया में मैं सबको बोलूँगा रीड एनी बुक, जस्ट कीप रीडिंग बुक्स, दैट्स ऑल। अब जो चेतन की नई बुक आई है हाफ गर्लफ्रेंड, इसके बड़े सारे मायने निकलते हैं कि हाफ गर्लफ्रेंड किस तरीके से, हाइट में हाफ जैसे मेरी बीवी है, हाफ हाइट से हाफ है, लिप्स से 1.5 है। नहीं हाफ गर्लफ्रेंड आपकी वाइफ नहीं है, हाफ गर्लफ्रेंड है जो बाकी शो में आपकी घूमती रहती है और जिनको आप जो भी आपके शो में आता है उसे हाफ गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करते हो। मैं तो पूरा बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरी मेरा बस नहीं चलता। बाजी आपको पता है हाफ गर्लफ्रेंड की स्टोरी क्या है? क्या? कि लड़के को इंग्लिश थोड़ी कम आती है और लड़की जो है वो है। ये लड़की बेसिकली आपसे इंस्पायर्ड है, ये मेरे से इंस्पायर्ड है। बट यू नो आई एम वेरी गुड इंग्लिश इन इंग्लिश। वो लड़का भी यही सोचता है। बट आई नेवर स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल बिकॉज आई डोंट वांट टू शो ऑफ। सी द प्रॉब्लम इज आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास इन योर स्कूल एंड आई एम sick, I can't come to school, please kindly grant me leave for one day. It's okay, it's enough. कितने लोगों के लिए आपको अगर डेट करना है तो लड़के को इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है? Raise your hand. अच्छे से उठाओ. हाँ, so you have seen that. इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट है और किन के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट? ठीक है, ओके, सो दोनों तरफ से मेरे ख्याल से व्यूज लेने मेरे लिए है ये। ओके, तो उनको माइक एक एक माइक देंगे आप प्लीज। मैम क्या नाम है आपका? हेलो एवरीवन, आई एम वीरता हियर एंड आई विश दैट माय गाय शुड नो इंग्लिश। ओके, द रीजन इज आजकल हम मल्टीनेशनल कंपनीज में जाए या सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जाए सब जगह इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश बहुत नेसेसरी है। आपको तो प्यार करना ना मैडम, आपको नौकरी थोड़ा देनी है। हां बट अगर जैसे मैं एक प्रोफेशनल कोर्स में से पढ़ी हूँ तो मुझे चाहिए कि वो भी मेरे से एटलीस्ट मेरे जितना पढ़ा लिखा हो। कितना ही कुछ हो, कौन कहता है कि मोहब्बत के इंग्लिश ज़बान होती है, ये हकीकत तो आंखों से बयां होती है। आंखों से बयां होती है। और कोई जिसको लगता है इंग्लिश जरूरी है? प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है। अच्छा, जिसे इंग्लिश आता है वो बोलेगा कि आई लव यू और जिसे नहीं आता है वो बोलेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या कहना चाहेंगी? I do believe कि हर चीज पढ़ने के लिए there's no age limit, so I think he can learn English for me and I can help him learn it, so I can teach him. आपको देख के तो कोई आदमी फ्रेंच सीख ले जी। अच्छा, ये लड़का अगर इंग्लिश सीखने जाए इस चक्कर में, इंग्लिश सीखते उसको 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, फिर वो बूढ़ा हो जाए, जब तक उसकी लड़की की शादी होगी तो मिला क्या? वही तो। एनी अदर व्यूज ऑन दिस सर?
has Sidhu Paji very well put it, love has no language. Correct. And I can speak English very well. पर मैं हिंदी में भी उतनी अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ पर सर गर्लफ्रेंड तो फिर भी नहीं है तो मैं कहने का मतलब कईयों की इंग्लिश खराब है कईयों की किस्मत खराब है तो मैं सोचता हूँ कि पॉकेट में पैसे भी होने चाहिए गाड़ी होनी चाहिए चलाने के लिए घुमाने के लिए होने चाहिए अरे मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था मैं ना 80 रुपए जेब में डाल के ले गया स्कूटर पे तो मैं 10+2 में पढ़ता था लड़की मेरे साथ चलेगी तो मुझे पूरा आइडिया था कि एक वो पिज्जा नए नए आए थे तब तो पिज्जा आया 2 कोल्ड ड्रिंक आएगी इतने की आएंगी उसने ना एक पिज्जा खा के एक और मांग लिया तो मेरा तो ब्रेकअप हो गया उसके साथ मैंने कहा तू रोमांस करने आएगी पिज्जे खाने आई इधर जो लड़की 2-2 पिज्जा खा रही है ना उसको साथ वैसे भी ना ही घूमो तो अच्छा वो कहाँ पहुंचेगी 2 पिज्जा खा के 3-4 महीने में तुम्हें पता भाई एक और सवाल मन में था कई लड़के लड़कियां जो आजकल जनरेशन है ये हिंदी में बात करते करते ना थोड़े इंग्लिश वाले वर्ड भी यूज करते थे अरे आई वाज तो वहां ना ये कौन सी लैंग्वेज है नहीं यू आर तो डम्बो तो बीच में हिंदी का लगा दिया इंग्लिश स्पीकिंग वाले भी है ना जब निकनेम देते हैं अपने लवर को जी वो हिंदी का देते हैं माय लिटिल छोटू माय बाबू माय शोना चलिए खैर हम चेतन से और भी ढेर सारी बातें करेंगे आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए चेतन आप प्लीज ध्यान करा चेतन की जो नई बुक आई है हाफ गर्लफ्रेंड उसके ऊपर बहुत जल्द एक फिल्म बनने जा रही है ऐसा कैसे हुआ कि अभी बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई है और रिलीज होने से पहले एकता कपूर ने उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया ये सब कैसे हुआ तो ये मोहित सूरी एक डायरेक्टर हैं जी उन्होंने कहा कि मेरे को भी आपकी कहानियों पे फिल्म बनानी है लेकिन सारी मेरी कहानियां ऑलरेडी और लोग बना रहे थे फिल्में उनकी फिल्में तो मर्डर बड़े होते हैं हाँ तो मेरे को भी पहले यही फीलिंग आती थी आप लिख देना एक हाफ मर्डर भी कर देना थोड़ा सा कुछ तो होगा और मोहित और मैं घर पे बैठे थे तो हमने कहा यार हम बनाते हैं फिल्म लेकिन हमें एक प्रोड्यूसर चाहिए और रात के 12 बजे हुए थे और हमारे घर पे घंटी बजती है और एक लेडी आती है ब्लैक ड्रेस में मैं झूठ नहीं बोल रहा सच कहानी और गाउन पहन के एक पार्टी में जा रही थी एकता और कहती है मुझे खबर मिली है तुम दोनों एक फिल्म बनाना चाह रहे हो तो हम दोनों को फीलिंग आई टीचर आ गई हाँ जी हम बना रहे थे क्या हो गया मतलब ना बनाए और तुम्हें प्रोड्यूसर नहीं चाहिए हाँ वो तो चाहिए आई बैठी उन्होंने कहा जब तक तुम लोग ये मेरे को पिक्चर नहीं दे रहे मेरे साथ नहीं बना रहे मैं यहाँ से नहीं जा रही अच्छा और उन्होंने हाथ आगे रखा और कहती है कम ऑन बॉयस हाथ मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे मैं मोहित को देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में मतलब एक मेरी बीवी है एक मेरी सास है उसके भी ऊपर लेवल का कोई आ जाए तो मोहित ने ऐसे अपनी जेब से हाथ निकाला रख दिया मुझे कहा तू भी रखना उन मैंने भी रख दिया तो हमारी डील हो गई